हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट टुडेज और क्लास ओके एंड यू नो बेटा आवर रनिंग चैप्टर इज ही इज माय ब्रदर ही इज माय ब्रदर जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट किया है एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने सॉल्व किया है देन हमारा पेज नंबर नाइनटी फोर तक कंप्लीट हो चुका था so आपको पेज नंबर नाइनटी फोर ओपन करना है अपनी टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर नाइंटी फोर ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक फास्ट इंग्लिश का टेक्स्ट बुक ओपन करिए एंड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर नाइनटी फोर ओपन करना है आपको ओके okay. जिसमें है लेट्स नो दिस साइन चलिए इन साइन के बारे में जाने ओके साइन लैंग्वेज इज अ विजुअल लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ साइंस गैस्टर्स फिंगर स्पेलिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन शाइन लैंग्वेज क्या है एक विजुअल लैंग्वेज है विजुअल लैंग्वेज मीन्स होता है दृश्य लैंग्वेज जो देखकर जिसे सीखा जा सके है ना अब जैसे यहाँ पर हम किसके बारे में रीड कर रहे हैं हार्ड ऑफ हियरिंग जो पर्सन सुन नहीं पाते हैं उनके लिए यूज की जाती है साइन लैंग्वेज तो जैसे इसमें बताया कि ये कैसी लैंग्वेज है विजुअल लैंग्वेज है मीन्स दृश्य लैंग्वेज है जिसमें कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो देख कर क्या कर सकते हैं पहचान सकते हैं देन गैस्टोर्स गैस्टोर मीन होता है इशारे इशारे करके समझना तो वो जो है गैस्टर्स के थ्रू जो है समझ सकते हैं इशारों के थ्रू समझ सकते हैं बिकॉज वो सुन नहीं पाते हैं बट देख तो पाते हैं ना देख सकते हैं वो तो अगर सपोज हम ऐसे कोई इशारे करे तो वो समझ सकते हैं न फिंगर्स पैलिंग फिंगर्स पैलिंग जैसे हम हैंड से जो अगर राइट करके दे दिखाए ना उन्हें तो वो उसे भी समझ सकते हैं देन हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं या फिर आ, हम उन्हें जो है अपने फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं समझा सकते हैं या बता सकते हैं देन है लिप रीडिंग लिप रीडिंग भी इसमें आता है लाइक like दिस कुछ लोगों को देखा होगा आपने जैसे जो लिप्स की मूवमेंट है उसके बेसिस पर वो बता देते हैं कि हमने क्या बोला होगा राइट right? तो ये किस लैंग्वेज में होते हैं ऑल साइन लैंग्वेज में जो कि एक विजुअल लैंग्वेज है ओके okay? तो चिल्ड्रन कैन नॉट हियर मे यूज साइन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन मींस चिल्ड्रेन बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं कैन नॉट हीयर जो सुन नहीं पाते हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए उनकी बातचीत के लिए कौन सी लैंग्वेज होती है शाइन लैंग्वेज एंड शाइन लैंग्वेज यूजेज द हैंड्स टू सेंड एनफॉर्मेशन एंड द आईज टू रिशिव डैम साइन लैंग्वेज का यूज़ कैसे किया जाता है मतलब इसमें क्या किया जाता है जो हमारे हैंड्स होते हैं हमारे हाथ होते हैं उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है भेजी जाती है मीन्स भेजी जाती है मीन्स मोबाइल के थ्रू भेजी जाती है क्या नो no, मतलब हमारे हैंड के जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्या किए जाते हैं मतलब अपने हैंड्स के एक्सप्रेशन के थ्रू उन्हें वो सब करके दिखाया जाता है जिन्हें की उनकी आइज करती है है ना बिकॉज़ वो सुन नहीं पाते हैं तो हम कुछ बोलेंगे भी तो उन्हें सुनाई देगा क्या नो no, सुनाई नहीं देगा बट वो देख सकते हैं अब देख सकते हैं तो हम अपने हाथों से जो भी इशारे करेंगे वो तो अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे अपनी आंखों से रिसीव कर सकते हैं उसे देख सकते हैं राइट एंड इट इज अ विजुअल मैनुअल लैंग्वेज सिस्टम विथ इट्स ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड ऑर्डर इसमें बोल रहा है कि जो है यह जो साइन लैंग्वेज है ये एक विजुअल मैनुअल लैंग्वेज सिस्टम है जिसका की अपना खुद का सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड वर्ड ऑर्डर है ओके एंड साइन लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज्ड विद पीपल हु आर हियर हार्ड ऑफ हियरिंग मिस जो शाइन लैंग्वेज है ये टोटली कम्युनिकेशन मेथड का एक पार्ट है जो किसके लिए यूज किया जाता है पीपल हु आर हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल जो सुन नहीं पाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो है शाइन लैंग्वेज का यूज किया जाता है And in addition to shine language, the total communication method involves other modes of communication like lip reading, voice amplification, writing gesture and visual imagery pictures. Okay. मींस में क्या बोल रहा है कि जो ये शाइन लैंग्वेज है ये टोटली जो है किसके लिए यूज़ की जाती है ये एक कम्युनिकेशन मेथड इन्वॉल्व है इसमें जिससे कि हम जिससे कि जो पीपल सुन नहीं पाते हैं वो क्या कर सके कम्युनिकेशन कर सके बातचीत कर सके है ना जैसे हम नॉर्मल है तो हम क्या कर सकते हैं जनरल टॉकिंग कर सकते हैं, जनरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीन्स मैं बोल रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं आप देख भी पा रहे हैं राइट बट हमारे इस वर्ल्ड में ऐसे कुछ चिल्ड्रन हैं, कुछ पीपल हैं जो सुन नहीं पाते हैं राइट right? तो उनके कम्युनिकेशन के लिए उनकी बातचीत के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है ओके okay? एंड इस लैंग्वेज में क्या क्या होता है लिप रीडिंग लिप रीडिंग मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो है लिप्स की मूवमेंट के थ्रू जो है पता करना कि वह क्या बोल रहा है देन वॉइस एम्प्लीफिकेशन वॉइस एम्प्लीफिकेशन मीन्स क्या होता है वॉइस मीन्स आवाज प्रवर्धन जैसे होता है ना वॉइस के थ्रू जो है एम्प्लीफिकेशन uh, के थ्रू जो है उसे समझा जाता है देन है राइटिंग लिख कर सपोज हम उसे कुछ राइट करके दे लिख कर दे तो वो उसे देख के भी क्या कर सकता है समझ सकता है पढ़ सकता है, Then, guestur, है इशारा करके है ना हम कोई उसे इशारा करे तो उसे भी समझ सकता है देन विजुअल एमेजरी इसमें क्या होगा विजुअल एमेजरी में दृश्यात्मक छायांकन मतलब दिखने वाली पिक्चर्स दिखने वाली पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स के थ्रू भी हम उन्हें उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओके ऑल दू यूजिंग शाइन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन इट कैन ऑल्सो बी एन एडवेंचर फॉर एवरी वन ओके तो जो ओवरऑल ये जो लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज ये कम्युनिकेशन के लिए हार्ड ऑफ हार्ड ऑफ हियरिंग जो पीपल्स होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ओके okay? और ये बहुत ही एडवेंचर्स है सभी के लिए एडवेंचर सभी के लिए है बिकॉज जो सुन नहीं पाते हैं उनको भी इस लैंग्वेज के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करने का स्टडी करने का चांस मिलता है ओके okay, तो हियर आर सम वर्ड्स दैट यू कैन लर्न इन साइन लैंग्वेज यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स दिए हैं जिससे कि हम साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं ओके शो एंड शे एशीन इन द पिक्चर बिलो ओके तो दिखाओ और बोलो जैसे कि <coughs> इस पिक्चर में नीचे दिखाया गया है ओके तो आई होप बेटा आपको यहां तक अंडरस्टूड हो गया हो कि जो साइन लैंग्वेज है वो किसके लिए यूज की जाती है जो पीपल सुन नहीं पाते हैं जिन्हें बहरा बोलते हैं ना बहरा हो गया है बहरा है आवाज नहीं जाता है तो उनके लिए यूज की जाती है शाइन लैंग्वेज ओके okay? और जैसे आपने देखा होगा ब्लाइंड पीपल जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए कौन सी ब्रेल स्क्रिप्ट ब्रेल स्क्रिप्ट जिसे ब्रेल लिपि बोलते हैं ना तो उसे वही ब्रेल ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है जो पीपल्स ब्लाइंड होते हैं अंधे होते हैं उनके लिए ओके okay? तो चलिए अब हम इसमें क्या करें शाइन दिए है इन्हें रीट करेंगे इसमें है शाइन सॉरी शिंग है एस आई एन ऐसा गाना सपोज जो सुन नहीं पाता है और हम चाहते हैं कि उन्हें बोले कि सिंग अ सॉन्ग एक सॉन्ग गाइए है ना तो हम बोलेंगे तो उसे आवाज तो नहीं जाएगी बिकॉज वो सुन नहीं पाते हैं राइट right? तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे वही साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे तो सिंगिंग के लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज कैसे करेंगे राइट ओपन हैंड फेसिंग एंड टचिंग द माउथ एंड मूव्स टू द राइट लाइक Weaving. आपको क्या करना है अपना राइट हैंड ओपन करना है देन उसे अपने फेस को टच करते हुए face को टच करते हुए ऐसे माउथ के पास ले जाकर राइट right की तरफ ऐसे लहरा देना है अपने हैंड को ओके तो उसके लिए क्या शाइन यूज करना है हमें अपने राइट right हैंड को ओपन करना है देन आफ्टर उसे ऐसे माउथ को टच करते अपने फेस को टच करते हुए ऐसे माउथ को अपने फेस पे जो अपने आपके फेस में जो माउथ है उसे टच करते हुए हैंड को ऐसे राइट की तरफ क्या करना है ऐसे लहराना है ओके तो इससे जो पीपल सुन नहीं पाते हैं वो समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं उन्हें एक सॉन्ग सिंग करने बोल रहे हैं, एक गाना गाने बोल रहे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि ऐसे जैसे हमें इशारों में जैसे बातें करनी होती है तो हम बोलते हैं ना ऐसे माउथ को हैंड लगा कर ऐसे हाथों के ऐसे ऐसे लहरा देते हैं है ना तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या करने बोल रहे है कुछ गाने बोल रहे हैं तो इस टाइप से सिंगिंग के लिए ऐसे करना है हमें देन डांस डांस हमें उन्हें बोलना है डांस करने के लिए ओके okay, तो वो जीरो हैंड्स एट फर्स्ट कैसे करने हैं अपने जो दोनों हैंड से उन्हें ऐसे जीरो बना के ऐसे हैंड के ऐसे एक्सप्रेशन देना है जीरो बना के जैसे जो हमारा इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर एंड थम इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट करना है देन फैशिंग आउट मूव फ्रॉम शोल्डर टू फ्रंट ऑफ चेस्ट अल्टरनेटिवली ट्विस्ट क्या करना है जो अपने face के जो है शोल्डर तक अपने दोनों हैंड्स को जो है आगे की तरफ शोल्डर के पास ले जाना है फिर चेस्ट के पास से टू टाइम अल्टरनेटिवली आपको यही प्रोसेस करनी है ओके तो ये हो जाएगा आपका डांस साइन देन है rid, पढ़ने के लिए तो पढ़ने के लिए क्या साइन करेंगे हम बोथ ओपन हैंड्स पाम्स फेसिंग एट चेस्ट लेवल मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन अ सिमेट्रिक वे क्या करने हैं आपको अपने दोनों हैंड ओपन रखने हैं अपनी जो पाम है हथेली है उसे अपने चेस्ट के लेवल में रखना है एंड उसे क्या करना है साइड टू साइड करना है कैसे सिमेट्रिक वे में समानांतर वे में जैसे एक ही डायरेक्शन में ऐसे सीधे सीधे जैसे क्या करेंगे हम उसे मूव करेंगे ओके ऐसे ऐसे करना है देन है राइट राइट के लिए एक्ट आउट राइटिंग ऑन टू द पाम ऑफ द लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड के पाम में हमें क्या करना है ऐसे ऐसे राइट right करने का जैसा हम एक्शन करते हैं ना राइट right हैंड में पेन पेंसिल लेकर जैसे ऐसे बुक में ऐसे ऐसे राइट करते हैं तो ऐसे आपको जो आपकी लेफ्ट वाली पाम है उसे ओपन रखना है एंड राइट हैंड से आपको पेंसिल से जैसे हम राइट करते हैं ऐसे ऐसे फिंगर्स को पकड़ के करना है। तो इससे हम समझ जाएंगे वो कि आप क्या बोल रहे हैं हैं उन्हें राइट करने बोल रहे देन विन जीत जैसे हमें बताना है कि हम क्या हो गए हैं वी आर विनर हम जीत गए हैं तो राइट थम्स अफ हैंड मूव अप टू राइट शोल्डर फ्रॉम फ्रंट ऑफ चेस्ट क्या करना है जो राइट right हैंड का thumb है उसे शोल्डर तक ले जाके ऐसे चेस्ट के सामने शोल्डर तक ले जाके ऐसे चेस्ट के सामने ले आना है जैसे हम बोलते हैं ना यस डन राइट एस टाइप से देन लॉस मतलब क्या हुई है हार तो उसके लिए क्या बताना है राइट थम्स शोल्डर टू फ्रंट ऑफ चेस्ट टू एंड विथ थम पॉइंटिंग डाउन मीन्स जो है अब क्या करना है हमें अपने राइट right हैंड का जो थम है उसे करना है राइट शोल्डर के पास से लेकर चेस्ट के पास चेस्ट से नीचे और उसका डायरेक्शन कैसा होगा थंब का पॉइंटिंग डाउन नीचे की तरफ जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना नीचे ऐसे एंड देन सनराइज सनराइज एंड सनसेट सनराइज मीन्स क्या होता है सूर्य उगने वाला समय सनराइज एंड सनसेट में जब सूर्य क्या होता है डूबता है तो ये बताना हो तो राइट बैंड फाइव हैंड फेसिंग लेफ्ट मूव फ्रॉम द वेस्ट लेवल ऑन द राइट साइड ऑन द राइट साइड अप हेड ओके okay. आपको क्या करने हैं ये गैसोर करने के लिए ये इशारा करने के लिए हमें अपनी जो फाइव फिंगर्स है उन्हें क्या करना होगा बैंड करना होगा थोड़ा झुकाना होगा और फिर मूव फ्रॉम द वेस्ट लेवल ऑन द राइज राइट साइड अप हैड और हेड के ऊपर से जैसे यहाँ पर डायरेक्शन दिखाया ना इस हैंड को ऐसे हैड के ऊपर से ऐसे कहां तक लाना है अपने वेस्ट लेवल तक लाना है तो इससे पता चलेगा कि जो है क्या हो रहा है सनराइज एंड सनसेट के लिए क्या करना है राइट बैंड फाइव हैंड ऐसे ही फाइव फिंगर्स को बैंड करना है एंड फेसिंग लेफ्ट मूव फ्रॉम एबो द हैड टू द वेस्ट लेवल ऑन द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट फेशिंग डाउन और जो है इसमें आपको जो राइट right हैंड ही लेना है बट उसका अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा आपको उसे भी अपने हेड के ऊपर ले जाना है ओके अभी हम क्या कर रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ हैंड ला रहे थे वेस्ट लेवल तक राइट बट अब हमें क्या करना है इस हैंड को अपने चेस्ट लेवल से ऊपर की तरफ मूव करना है ओके और फेस को थोड़ा डाउन करना है नीचे करना है ये हो जाएगा सनसेट ओके बेटा डू यू अंडरस्टूड ये थे आपकी शाइन लैंग्वेज के कुछ शाइन ओके okay? तो ये आपको रिमेम्बर रखना है केस आपको लाइफ में कभी ऐसे इसकी जरूरत पड़ सकती है? है ना काफी जगहों पर आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है बिकॉज यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोल नहीं पाते हैं सुन नहीं पाते हैं है ना तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में ये जो शाइन है ये क्या करेंगे हमारी हेल्प करेंगे तो ये शाइन आपको रिमेम्बर होनी चाहिए कि रीड करने के लिए हमें कैसा साइन यूज करना है राइटिंग के लिए लॉस के लिए विन, फॉर सनराइज फॉर सनसेट फॉर डांस एंड फॉर सिंगिंग ओके okay? और यहाँ पर आपको मैंने शाइन लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि जो शाइन लैंग्वेज है ये आपको रखने हैं, ओके okay? जो साइन लैंग्वेज है वो कैसे पीपल्स के लिए यूज की जाती है पीपल आर हार्ड ऑफ हियरिंग वह लोग जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए शाइन लैंग्वेज यूज की जाती है ओके ओके बेटा सो दैट इज ऑल फॉर टुडे ओके आफ्टर क्लास आप इसे वन टाइम रीड करके फिर से समझ लीजिएगा ओके दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू